हेलो एवरीवन वेलकम टू तरुनायस अकेडमी दिस सौम्या स्वागत करते हैं आप सभी का तरुण एस अकेडमी चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ आज है 29 अक्टूबर यानी कि 29 अक्टूबर 2024 आज धनतेरस है हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस के साथ सबसे पहली खबर मैम क्या पढ़ेंगे डिजिटल कौनडॉम क्या है डिजिटल कौनडॉम का मतलब क्या है क्यों आपके फोन्स में ये जो ऐप है डिजिटल कॉन्डॉम होना चाहिए क्या है ये एक्चुअली में तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है अगर आज के डेट को देखा जाए तो क्यों ये इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे न्यूज़ टू न्यूज़ टू जो कि अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन जुडिशरी यानी कि जुडिशरी में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है अब ऐसा क्यों है क्या कारण है कैसे जो है महिलाओं को बढ़ावा मिल सकता है और फा uh, कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे कुछ डेटा uh, की बात करेंगे तो uh, सभी चीज़ों के बारे में इन डिटेल डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल दैट इज़ अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वोमेन इन जुडिशरी हम लोग डिस्कस करेंगे राइट चलिए अब इसके बाद मैम और कौन कौन से आर्टिकल्स होंगे जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करने वाले हैं वो है सऊदी अरेबिया एंड ईरान रिसेंटली क्या कर रहा है एक जॉइंट नेवल ड्रिल यानी कि नेवी एक्सरसाइज जॉइंट नेवल ड्रिल जो है कुल मिला के वो होल्ड कर रहा है कहाँ पे सी ऑफ ओमान में साथ ही साथ रेड सी में अब इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आ, क्या कुछ जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जॉइंट नेवल ड्रिल जो है कुल मिला के आपका Uh, कहाँ पे है बेसिकली ये गल्फ़ ऑफ ओमान या फिर सी ऑफ़ ओमान में तो एक्जैक्टली exactly यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है तो गल्फ़ ऑफ ओमान एग्जैक्टली कहाँ पे है विद मैप मैं आपको बताऊंगी और डिटेल मैप एनालिसिस जो है यहाँ पे हम लोग डिस्कशन और चर्चा करेंगे साथ ही साथ गल्फ़ ऑफ़ ओमान की लोकेशन कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं और तमाम बातों को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल कौन सा होगा मैम तो जियो हॉटस्टार डोमेन इम्पेस साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है और क्या ये पनिशेबल है यानी कि क्या साइबर स्क्वैटिंग पनिशेबल है या नहीं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है तो साइबर स्क्वैटिंग जानेंगे सबसे पहले तो एक्चुअली में ये होता क्या है और आ, किस तरीके से जो है ये इम्पैक्ट कर रहा है क्या कॉजेज़ हैं इसके क्या क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से साइबर स्क्वैटिंग हो रहा है फर्दर क्या इफ़ेक्ट्स हैं इसके ठीक है कैसे कम किया जा सकता है यानी कुल मिला के तमाम 360 डिग्री पे पूरा ये टॉपिक जो है साइबर स्क्वैटिंग का ये एनालिसिस होने वाला है राइट सो डिटेल डिस्कशन इन तमाम आर्टिकल्स का होगा और uh, काफ़ी ज़्यादा जो है हम लोग चर्चा करेंगे एक भी डाउट आप लोगों का इन आर्टिकल्स में नहीं रहने वाला है ठीक है सो हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस टुडे इज ट्वेंटी नाइंथ ऑफ अक्टूबर 2024 एंड लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ टुडेज डेट द वेरी फर्स्ट न्यूज़ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ऑल अबाउट वॉट इज डिजिटल कॉन्डॉम वॉट इज डिजिटल कॉन्डॉम how it is important what is the meaning of digital condom what is the significance what is the effect and why it is important like why it is important for you in your uh, mobile phone or uh, you know to have the app of digital condom we are going to study this particular article in deep down great detail the next article that we are going to discuss is all about the under representation of women's in judiciary so in judiciary if we see the representation of for males with respect to females the females are underrepresented now, why is it so? What is the reason? What is the reason for under representation of women? Currently, what is the data and facts with respect to the under representation of women? How many women are being represented in high court, in higher judiciary, in lower judiciary? So, we are going to discuss all that perspective in great detail and with a great discussion all across, right? Then, we are going to discuss the next article and that is the saudi arabia and iran they are holding the joint they are holding the joint naval drills in sea of oman now since uh, iran is being in the news uh, in the present time so this exercise becomes important and where the world is actually seeing this exercise the naval power of iran is the key focus for this exercise also um, it is uh, highly important for the upsc perspective to uh, mark where gulf of oman is so location is quite important with respect to this article okay where exactly gulf of oman or sea of oman lies and um, the overall, we are going to discuss about the uh, geographic location, right? So it's important and exactly all about uh, Gulf of Oman. What all are the bordering countries? And uh, Gulf of Oman share border with the, uh, uh, you know, with uh, which countries? Which all countries? So we are going to discuss all that. News four is all about geo hot star domain, impasse. So. You can say what is cyber squatting exactly? What is cyber squatting? What do you mean by the term cyber squatting? And is cyber squatting punishable? What do you think? Is cyber squatting punishable? And uh, uh, you know exactly what is the term? Why you know is that the cases of cyber squatting is increasing in India? What are the reasons for that? Then uh, further we are going to discuss the impact because the impact, the effects, they are important because if you don't understand the impact, then how will you uh, basically cure it? How will you uh, find out? The solution for it. So, we are going to discuss all these articles in इन down detail. तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल के साथ डिजिटल कॉन्डोम. दरअसल देखा जाए डिजिटल कॉन्डोम अब देखिए कॉन्डोम क्या होता है सभी को पता है सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है ठीक है अब ये डिजिटल कॉन्डोम क्या है तो आप सभी को पता होगा कि जो मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं जो है आपके डाटा आपकी प्राइवेसी के साथ छेड़ा होती है क्यों क्योंकि आप जो कुछ भी एक्टिविटीज़ करते हैं इट गेट समवेयर और दी अदर स्क्रूटनाइज बाय दी इलेक्ट्रिकल डिवाइस राइट अब जर्मन सेक्शुअल वेलनेस ब्रांड बिली बॉय हैज लॉन्च अ डिजिटल कॉन्डोम तो सबसे पहले तो किसने लॉन्च किया ये तो जर्मन का एक ब्रांड है जिस ब्रांड का नाम है बिली बॉय ने लॉन्च किया डिजिटल कॉन्डोम ये क्या करता है कि जो ओवरऑल यूज़र्स हैं वो अपने जो इंटीमेट मोमेंट्स हैं यानी कि जो प्राइसलेस इंटीमेट मोमेंट्स हैं सेक्सुअल मोमेंट्स हैं उनके उन मोमेंट्स में किसी भी तरीके से प्राइवेसी का उल्लंघन ना हो वो अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें अपने आप को जो है सेफ गार्ड करके रख सकें तो एक तरीके से इसीलिए इस ऐप का यानी कि डिजिटल ये एक ऐप है डिजिटल कॉन्डोम ऐप का वो इस्तेमाल करते हैं ठीक है ठीके? अब बिली बॉय इन कोलाबोरेशन विद इनोसियन बर्लिन हैज़ लॉन्च एन ऐप विच इज़ कॉल्ड एज कैमदम इट इज़ डिजिटल कॉन्डोम सो इट इज़ अ एप्लीकेशन ये एक ऐप है ताकि आपकी डिजिटल प्राइवेसी जो है वो मेंटेन रह सके ड्यूरिंग योर इंटीमेट मूवमेंट, ड्यूरिंग योर प्राइसलेस सेक्शुअल मूवमेंट्स कोई भी जो है रिकॉर्डिंग्स uh, ना हो आपके जो उन जो उन प्राइवेट मोमेंट्स की है किसी भी तरीके का प्राइवेसी का uh, जो उल्लंघन है वो ना हो और ये ऐप क्या करता है जो भी नॉन कॉन्सेशनल रिकॉर्डिंग होगी उसको करेगा ही नहीं ना आपके फ़ोन में करेगा और ना कुल मिला कहीं और करेगा तो एक तरीके से जो आपके मोस्ट प्राइवेट मोमेंट हैं वो प्रोटेक्ट रह जाएंगे ठीक है तो ये ध्यान रखना है सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ द काइंड ऑफ डिजिटल कॉन्दोम एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द नॉन कंसेक्शुअल रिकॉर्डिंग ऑफ कंटेंट ड्यूरिंग द सेक्स बाय ब्लॉकिंग द मोबाइल डिवाइस यानी कि आपके मोबाइल को मोबाइल डिवाइस को ब्लॉक कर देगा तो किसी भी तरीके का कोई भी अगर हिडन रिकॉर्डिंग हो रही होगी या फिर अगर किसी भी तरीके का कोई भी डाटा होगा तो वो नहीं जा पाएगा ठीक है तो कुल मिला ये है डिजिटल कॉन्दोम अब ये लॉन्च हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग कंसर्न

Uh, ये एप्लीकेशन इस ऐप को लेके आया गया है तो ब्लूटूथ की मदद से क्या होगा कि वीडियो कैमरा माइक्रोफोन सभी को जो है ये ब्लॉक कर देगा बंद कर देगा और किसी भी तरीके का कोई भी प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं हो सकता यानी कि एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी आपकी प्राइवेसी में ऐड कर देगा तो इस तरीके का जो है ये एक एप्लीकेशन है यहाँ पर आप तस्वीर देख सकते हैं ठीक है तो दैट्स इट ओके चलिए सो न्यूज़ वन इज़ ऑल अबाउट डिजिटल कॉन्दोम डिजिटल कॉन्दोम इज अ application it's an app which is being launched by the german sexual wellness brand that is billy boy and uh, this uh, german brand billy boy has a uh, launch a digital condom app so what is it it basically allow the user to practice safe sex that means uh, during your sexual activities during your privacy intimate moments uh, your privacy cannot be violated and this what this application do is that it uh, simply it uh, simply uh, you can say it simply blocks uh, blocks your camera, video, and microphone access to the mobile device, right? So digital condom is launched in response to the growing concerns and the unauthorized recording cameras. Uh, uh, you know the unauthorized recordings basically stop. So this basically by downloading this app, what you can do is you can add an extra layer of security. Okay, so this is what you can do. All, all right, yes. So it actually. Protects text from the uh, from uh, from the uh, you can say the violation of the privacy okay so this is what is digital condom and this kind of application will be downloaded once you will download this app okay so this uh, what what it basically now why is it uh, that it has been launched because there were increase in the innumerable number of cases where it was reported that their uh, privacy was being violated and uh, uh, you know the uh, sexual uh, their sexual moments they were being recorded the video was being

लोअर जुडिशरी की अगर मैं बात करूं तो हालत फिर भी काफ़ी बेटर है क्यों क्योंकि 50 परसेंट ऑफ़ दी वोमेंस जो हैं वो जुडिशरी एग्जाम्स को क्लियर करती हैं इनफैक्ट मेल से ज़्यादा वुमेंस जो हैं जुडिशरी एग्जाम को क्लियर कर रही हैं और सिविल जज बन रही हैं तो अगर सिविल जज की कैटेगरी में देखें तो आपको ज़्यादा महिलाएं मिलेंगी एज़ कंपेयर टू मेल अब आप कहेंगे मैम जब लोअर जुडिशरी में महिलाएं ज़्यादा हैं तो वो अपर जुडिशरी तक क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं तो यहाँ पे जो है यही प्रॉब्लम है यानी कि जो हायर लेवल्स है वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन फॉल हो जाता है यानी कि कम हो जाता है देखा जाए तो जनवरी 2024 में सिर्फ 13.4 परसेंट महिला जजेस थी हाई कोर्ट में जबकि अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट में तो सिर्फ 9.3 महिला जजेस सुप्रीम कोर्ट में थी तो और ये डाटा जो है आपका 2024 जनवरी का रिकॉर्डेड है तो यानी कि अच्छा खासा नया ताज़ा डाटा है तो आप इसी से आइडिया लगा सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन कितनी कम है यानी कि आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट में आपको 91 परसेंट मेल्स दिखाई देंगे मेल जजेस होंगे रैदर देन दी आई मीन इन कंपेरिजन टू दी फीमेल जज मात्र नाइन इज अ फीमेल जज वहीं हाई कोर्ट में अगर देखें तो एटी थ्री परसेंट यूल फाइल मेल जज and uh, uh, 13 majorly 13.4% find female judges lower judiciary की बात करें, तो ratio फिफ्टी फिफ्टी रहता है but higher judiciary में जाते ही disrupt हो जाता है अब सोचने पे अगर मजबूर होंगे तो सोचेंगे क्या कुछ वो कारण है मैम जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है कि कारण जाना जरूरी है सबसे पहला मुख्य कारण है जो पेट्रीयरिकल uh, सिस्टम है जहाँ पे मेल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है विथ कंपेरिजन टू द फीमेल्स ये एक तरीके का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर बन रहा है ठीक है और इसी वजह से क्या होता है कि जो एनवायरमेंट uh, होता है वो मेल ओरिएंटेड एनवायरमेंट है दे आर गिवन मोर रिस्पेक्ट एंड इसीलिए जो है मेल्स का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है देन कोलेजियम सिस्टम फंक्शनिंग अब जो अब आप सभी को पता है कि जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट होते हैं क्या है ये कोलेज सिस्टम तो देखिए जजेस अपॉइंट होते हैं अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं बट बट प्रेजिडेंट क्या अकेले करते हैं यानी कि क्या उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है नहीं ध्यान रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछने के बाद और वो फर्दर कंसल्ट करते हैं फोर सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और उसके बाद जो है एक नाम आगे दिया जाता है उनको जो है अपॉइंट किया जाता है तो कुल मिला के पूरा कोलिजियम सिस्टम कहलाता है तो जो कोलिजियम सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा ओपेग नेचर का है ठीक है कैसे डिसीजन लेंगे क्या मिली भगत हो सकती है तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट होता है ठीक है ओके okay, आगे देखेंगे नो वुमेन रिज़र्वेशन अब किसी तरीके का अभी तक भी वुमेन रिजर्वेशन नहीं किया गया है एलोकेशन नहीं है सीट्स का इसीलिए भी जो है इम्पैक्ट uh, होता है देन कमिंग टू द नेक्स्ट जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं भाई सिंपल बात है एक महिला के ऊपर एक वूमेन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉसिबिलिटीज़ होती हैं चाहे वो फैमिली रिस्पॉसिबिलिटी हो अपने हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो चाहे वो अपने uh, जो है चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो इसी के चलते जो है प्रॉब्लम्स अकर हो रही है देन नॉट इनफ

कैसे सही किया जा सकता है तो नेशनल जुडिशल कमीशन के द्वारा ऑलरेडी रिकमेंडेशंस दी हुई हैं और उसके द्वारा जो है सही किया जा सकता अब अब ऑलरेडी मैंने डिस्कस करी है ये रिकमेंडेशन इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊंगी तो आपका काम है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर आप लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो करते हैं और अगर आपने चार दिन पहले का फॉलो किया है सो आपको जो है पता होगा कि वो क्या रिकमेंडेशंस हैं और अगर नहीं करते हैं यानी कि अगर आपको फिर भी नहीं पता तो फिर जो है मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी ठीक है बट एक बार खुद से एफर्ट जरूर लगाइए नेशनल जुडिशियल कमीशन ने क्या कुछ रिकमेंडेशन दी है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन रिप्रेजेंटेशन ये आप लोग एक बार सर्च करेंगे न्यूज टू न्यूज टू इज ऑल अबाउट द अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन जुडिशरी now in 14 states now if you will see the un with the respect to under representation of women in judiciary now uh, women's uh, in if you see the lower judiciary 50% of the representation of women's are there that means 50% of the women's declare the judicial exam and they hold the civil judge post but uh, when you will say as the uh, level of judiciary goes up, that means in higher judiciary, the woman representation literally comes down. In high court, if you will see majorly just 13.4% of women representation are there when it comes to supreme court it is just 9.3 percentage women's are being represented right so if you see uh, in supreme court it, it's it is majorly 9.3% in high court it is majorly 13.4% and in the lower judiciary it is 50% okay so this is overall you can say the data, but uh, what are the reasons behind such a low representation? What what are the reasons? What are the major reasons? The very first is patriarchy. The patriarchy in the society, the patriarchy in the judicial system is actually which is uh, you know uh, uh, pushing back the women further. The second major reason is the collegium system. The opaque nature of the collegium system. Now all of you know that how judges are appointed through collegium system. What is what is the collegium system? So when judges are Appointed, surely, it is appointed by the president. But remember, president does not have the independent power to appoint the judge. President uh, uh, further ask with the chief justice of India, who further ask with the four senior-most judges. But. Uh, Overall, the nature is quite opaque of this collagen. This is exactly what is collagen system, but the nature is quite opaque, due to which there is a problem that actually occurs. Right? Then third, if you see, there is no woman representation, means the woman reservation is not there. Okay, so that is why it is also one of the reasons why the uh, representation of women is being pushed back. Now there are so many uh, efforts that are being taking place with respect to that woman should have the reservation, 33 reservation of. Uh, 33% reservation should be provided to the woman, but up till now, there is no law that has been passed of such then again women have so much responsibilities they have family responsibility child responsibility and this is also one of the reasons why they are pushed back right then the next is not enough women in litigation so uh, there are not enough women in litigation and this is further uh, pushing them backwards right and that is also basically adding one of the major reasons then the last is the judicial infrastructure the judicial infrastructure is not that supportive the judicial infrastructure is uh, further lacking behind and due to which you can say the woman representation is actually going downwards right so all these reasons are the major major reasons of why the representation of the women's they are actually pushing back why the representation of the women's they are actually leading backward right चलिए अब डिस्कस करेंगे न्यूज़ थ्री जो कि है सऊदी अरेबिया और ईरान जो कि नेवल ड्रिल ऑर्गेनाइज़ यानी कि हेल्ड कर रहे हैं होल्ड कर रहे हैं कहाँ पे गल्फ़ ऑफ़ ओमान में तो ये गल्फ़ ऑफ़ ओमान कहाँ पे है जहाँ पे सऊदी अरेबिया और ईरान के द्वारा नेवल ड्रिल्स की की जा रही है तो यहाँ पे आप लोकेशन देख सकते हैं मैप को आपको ढंग से ढंग से समझा देते हैं ठीक है सो so, ये दो मैप्स हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा जो मैं अंडरलाइन करूंगी उस पर यहां पे आप देखिए ये है सी ऑफ ओमान ठीक है दिख रहा है ये है सी ऑफ ओमान यहाँ पे ये देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अरेबियन गल्फ और ये जो पूरा आपको महासागर दिख रहा है ये है अरेबियन सी ठीक है अब एक बार इस लोकेशन में देखिए हालांकि इस लोकेशन में आपको सी ऑफ ओमान जो है उसको मार्क नहीं किया हुआ है बट कोई बात नहीं ठीक है तो ये रहा आपका गल्फ ठीक है अरेबियन गल्फ देन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ठीक है ये रहा आपका सी ऑफ ओमान या गल्फ ऑफ ओमान ठीक है और ये रहा अरेबियन सी तो लोकेशन बिल्कुल क्लियर हो गई होगी दोनों मैप्स में मैंने आपको दिखा दिया एक में सिग्निफिकेंटली मार्क्ड है और एक में मार्क्ड नहीं है अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं गल्फ ऑफ ओमान या सी ऑफ ओमान ये क्या है ये गल्फ है इन द इंडियन ओशियन और ये क्या करता है तो देखिए ये जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है ठीक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हॉर्मूज को अरेबियन सी से कनेक्ट करता है देन फर्दर अगर देखें तो आ, कौन कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है तो पाकिस्तान ईरान ओमान और आपका यू यानी कि यूनाइटेड अरब एमिग्रेंट्स ये चार बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं तो बस इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ठीक है news 3 news 3 is all about the saudi arabia and iran they are holding the naval drills naval drills in the sea of oman or gulf of oman region now uh, let's discuss about this exercise so you can see over here the map and you can see over here there are two maps which are being presented on the screen the very first if you see over here this is the sea of oman or you can say gulf of oman right so this is sea of oman or gulf of oman then this is strait of hormuz and this is persian gulf or arabian gulf and what is this this is arabian sea okay so this is arabian sea now if you see the second map you can mark over here this is arabian sea this is persian gulf this is strait of hormuz and this is sea of oman Okay, so the locations they are being significantly marked over here. Further, you can see the Gulf of Oman or Sea of Oman is uh, basically what it is a connecting point which actually connects the Arabian Sea with the Strait of Hormuz, and uh, this actually runs through the Persian Gulf. Now, what all are the bordering countries? So, Iran, Pakistan, Oman, and UAE that is United. यूनाइटेड अरब इमिग्रेंट्स दे आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज अब चलते हैं नेक्स्ट खबर पर यानी कि अगली खबर को चर्चा करते हैं यहाँ पर और साइबर uh, स्क्वैटिंग क्या होती है साइबर स्क्वैटिंग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या ये पनिशेबल है नहीं है क्या है ठीक है तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रिसेंटली हुआ क्या है कि दिल्ली बेस्ड डेवलपर रजिस्टर्ड अ डोमेन जियो हॉटस्टार का डोमेन जो है दिल्ली के एक डेवलपर ने रजिस्टर किया और उसके बाद अंबानी जी से जो है एक करोड़ रुपए मांगने लगता है कि भाई अगर आपको जियो हॉटस्टार का वो चाहिए डोमेन चाहिए तो एक करोड़ रुपये दे दीजिए अब ये केस है साइबर स्क्वाडिंग का ये क्या है ये एक एक्ट है एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग और यूजिंग अ डोमेन नेम प्रॉफिट फ्रॉर From a trademark corporate or personal name. ऑफ़ एन इंडिविजुअल यानी कि जो ये पर्सन है डेली बेस डेवलपर इसने जान पूछ कर जो है जियो हॉटस्टॉर जियो हॉटस्टार का डोमेन नेम परचेज कर लिया जिसके बाद जो है इसने रजिस्टर करवा लिया डोमेन नेम को और उसके बाद जो है अब उसको अपने प्रॉफिट के लिए जो है इस तरीके से ये इस्तेमाल कर रहा है तो कुल मिला के एक तरीके से एक्सटॉर्शन ये भी क्या हुआ साइबर स्क्वाटिंग क्या हुई एक तरीके का एक्सटॉर्शन कर रहा है ये भी ठीक है तो ये एक तरीके का एक्स्टोर्शन है टू टेक ओवर द बिजनेस फॉर्मेट्स राइवल यानी कि एक तरीके से गलत तरीके से जो है बिजनेस को छीनने की कोशिश करना ठीक है टाइप्स ऑफ साइबर स्क्वाटिंग क्या होती है सबसे पहले टाइपो स्क्वाटिंग अब इस डोमेन में दे विद दी टाइपोलॉजिकल एरर्स इन द नेम ऑफ वेल नोन ब्रांड्स जैसे कि अब जैसे टाइपोलॉजिकल जैसे याजू डॉट कॉम फेसबुक डॉट कॉम ठीक है तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये होता है टाइपो स्क्वैटिंग यानी कि टाइपिंग में मतलब मिलता जुलता नाम बट थोड़ा सा स्पेलिंग में इधर उधर करके जो है वो डोमेन नेम को परचेज कर लेते हैं देन आइडेंटी आइडेंटिटी थेफ्ट तो जो है वेबसाइट या एग्जिस्टिंग ब्रांड की सिमिलर वेबसाइट बना के जो है इस तरीके से झोलझाल करना देन नेम जैकिंग नेम जैकिंग क्या होता है कि आपके जो है फेक वेबसाइट बना दी फेक सोशल मीडिया बना दिया और फिर जो है पब्लिसिटी करने शुरू कर दी देन रिवर्स साइबर स्क्वाटिंग यानी कि अपने जो मेन इवेंट है उसको जो है अपना इवेंट बता दिया जो अपना इवेंट है उसको मेन इवेंट बता दिया ठीक है तो ये होता है साइबर स्क्वाटिंग और कुल मिला के ध्यान रखिएगा फिलहाल के लिए कोई भी स्पेसिफिक लॉ इसके तहत नहीं दिया हुआ बट हाँ पिनलाइज किसके अंतर्गत होता है तो ध्यान रखिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 सेक्शन 29 के अंतर्गत News four is all about Geo Hotstar domain. Impasse. What is cyber squatting, and uh, is it a punishable in India? So, what recently happened is Delhi-based designer actually purchased this domain name that is Geo Hotstar, and after purchasing, he now is asking for Ambani to make the payment of one crore rupees if he want this uh, uh, domain name of. Uh, geo hot star so what is it it is a act of registering a domain name and then for profit you are using that particular domain so it's a kind of extortion that you are doing right so there are certain types like typo typos squatting is like typing error you know facebook spelling change and then you purchase that domain name then identity theft is you are uh, you know uh, uh, making uh, the similar website of the original brand like the facebook have so blue in color and all that you know you are exactly making the similar website then name jacking similar name is being used then reverse squatting the original event is being shown as it is my event and the my event is being shown as the original event so this is what it is now in india right now there is no specific laws with respect to penalizing the cyber squatting but yeah under the trademark uh, trademark act 1999 this is being penalized under the section section 29 of the उक्ट राइट सो आई होप दैट आज का हिंदू पे, न्यूज पेपर डिस्कशन बेहद आपको पसंद आया होगा इसी के साथ थैंक यू सो मच हैवनाइस डे बबाई टेक केयर गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू